गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको गांव दिखाने वाला हूं। जैसे लास्ट में आपने जो वीडियो देखा था, ऐसे ही आज मैं स्कॉर्पियो लेके आया हूं। और ये मेरे साथ में कौन है, मिलिए इनसे। क्या नाम है? कबीर। ये मास्टर कबीर भी मेरे साथ है। और आज हम आपको दो तीन गांव एक साथ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो बताऊँ, ये वीडियो देख, ये वीडियो है। तो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है तू आज? जयपुर जा रहा है। अच्छा, खाना खाया तुमने? अच्छा, दिखा। आज तेरी कटिंग करवाई है? कह रहा कटिंग करवा दी। क्या, किसने करवाई? पापा। पापा ने करवा दी। अच्छा, मेरा तेरे पापा ने करवाई है। अच्छा, मोटरसाइकिल पर है। अच्छा, मोटरसाइकिल पर बैठ के फिर आगे बैठे हो पीछे? आगे बैठे हो, पीछे बंद बैठेंगे। बस देखाइए, बस देख ले। कबीर खेल रहा है गाड़ी के अंदर, बहुत खुश है आज। ये बोलता है जयपुर जाऊंगा। जयपुर जाएगा है? कटिंग करा के आया है, खेल रहा है अकेला ही। चलेंगे, चलो आगे चलते हैं। ये रास्ता आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अभी गांव आने वाला है। तो देखिए सामने कबीर अपना गाड़ी में खेल रहा है अकेला ही। ये गांव के नज़ारे आप देखें, गांव आ गया है। ये देखिए टेम्पू जा रहा है। और ये गांव की स्कूल है बुकन सर छोटा। ये मंदिर है यहाँ का, पेड़ भी है, सामने गाय बैठी है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुकन सर। ये बच्चे भी आ रहे हैं वीडियो को देख करके। ये अंदर स्कूल, हाँ बच्चे अपने घर जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं ना, जिसको काम होता है ना, वो अपने घर जाते हैं। अपने घर से हम चलेंगे आगे, ये गांव के अंदर से आगे चलेंगे हम। चलें क्या? गांव के अंदर से नहीं चले, फिर किधर जाएगा? नहीं चलेगा तो फिर किधर जाएगा? फिर किधर जाएगा? नहीं चलेगा तो चलेंगे तभी तो। ऊपर से नीचे जाएंगे, ये रोड नीचे की तरफ जा रही है ना, अब थोड़े ऊपर है, अब थोड़े नीचे की तरफ जाएंगे। चलेंगे। ये आपने बुकन सर छोटा देखा, उसके अंदर से हमने क्रॉस किया, अभी आगे चलते हैं। ये यहाँ पर बाबा श्री हरि है गौशाला, यहाँ पे ये गौशाला है। आज बारिश हुई है रात में, थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको नीचे दिख रहा है रोड के साइड में। और आगे ये उड़ सर
लाडेरा 5 किलोमीटर है, इसी रास्ते पे आएगा ये। यहाँ पर दूसरा गांव भी आ गया, देखिए गांव में भी अच्छी अच्छी हवेलियाँ उन लोगों ने बनाई है। ये पिपड़ का गट्टा है, गाय भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ के नज़ारे गांव के। अब नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ ये ढाल ढलान में जा रहा है। आगे ये भीम से गांव आ रहा है 1 किलोमीटर में। झोपड़ी गांव कौन से? और ये यहाँ के नज़ारे आप देखें। और ये यहाँ गौशाला, अभी गेहूं की गौशाला, श्री कृष्ण सुदामा प्रणामी गौशाला समिति भीमसर, ये गाय है यहाँ पर। गांव के स्कूल की बाउंड्री है, ये बाजू में स्कूल है और ये पूरी काफी जगह है स्कूल के लिए। ये देखिए आप, ये स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और ये यहाँ पर मंदिर है, और ये गांव के घर है पूरे। ये देखिए ये पानी रोड के ऊपर पानी है क्योंकि बारिश आई है, रात में बारिश आई थी तो पानी जमा है रास्ते के ऊपर। और ये पूरा यहाँ का व्यू है, ये भीम सर आ गया। दुकान से कोई चीज खाएगा क्या? क्या लेना है? क्या लेना? दुकान से कुछ चीज़ ले, चीज़ ले, कुछ कुछ चीज़ ले सी, क्या ले? ये कबीर अपना कुरकुरे ले आया है, खा रहा है अपना। अच्छा है क्या? अच्छा है, चलिए और आगे चलते हैं अभी। ये पूरा भीमसर का व्यू है। ये यहाँ पर गांव में शादी का प्रोग्राम है, मंडप लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है। ये देखिए, और ये पूरा गांव का व्यू है। चलिए और आगे चलते हैं। ये बस, ये आगे दूसरा गांव आ गया। कबीर खा रहा है अपना कुरकुरा। कबीर कबीर के पैकेट में एक मोबाइल का कवर भी गिफ्ट में मिला है, दिखा कबीर कौन सा गिफ्ट है? ये गिफ्ट है, देखो ये कवर गिफ्ट मिला है कबीर के कुरकुरे के पैकेट में आया है। ये गांव के नज़ारे,
यहाँ भी पानी है। ये यहाँ गांव की स्कूल है, भोरूसर गांव का नाम भोरूसर है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोरूसर, सामने मंदिर है। ये आकरपुरा व्यू है। हाँ कबीर क्या बोल रहे हैं? हाँ ये कबीर का कवर आया, इसके अंदर वो देख रहे हैं कबीर खेल रहा है। क्या आया ये अंदर? हाँ इसके अंदर आया ये। ये स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब। ये व्यू है, ये पानी का टंकी बना हुआ है और ये यहाँ पर मंदिर है। हाँ कबीर क्या बोल रहा? कबीर क्या बोल रहा? क्या है दिखा रहा है क्या? ये अच्छा है यहाँ का। तो ये भोरूसर का व्यू आपने देखा, गांव का नाम है भोरूसर। छोटे छोटे गांव हैं, अभी इस गांव से भी हम निकल गए। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं ये, और एक दूसरे से कनेक्ट है इस रोड के द्वारा। और आगे अगले गांव में चलते हैं और ये गांव के खेत आगे। ये पूरा व्यू है, उड़सर आने वाला है। उड़सर लोग, ये अभी दूसरा गांव भी आ गया है। गेट खोलो, क्या करेगा गेट खोल के? बाद में डालो, यहाँ नहीं डालना, बाद में डालना, रख ले साइड में। ये उड़सर आ गया, तो कुआ बंद है। पहले इन कुओं की ज़रूरत होती थी, अभी तो बोरिंग करके पानी निकालते हैं तो कुओं को यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये बना हुआ देखें आप इसको, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। तो सफ़ेद पत्थर और चूना, उस टाइम चूना होता था उससे ये बने हुए हैं। और देखिए बहुत ही मजबूत ये होता था। अब ये कितने 200 साल पुराना होगा लेकिन अभी भी है और ठीक ठाक है। देखिए आप ये कुआ, यहाँ से पानी निकालते थे। ये यहाँ का व्यू आप देख पा रहे हैं, ये इस गांव का व्यू आप देख पा रहे हैं। कच्चे पक्के सब तरह के मकान देखने को मिल जाते हैं। हर घर में आपको दरख्त मिलेगा, पेड़ मिलेगा छाया के लिए। अब देखें बहुत सारी हरियाली यहाँ पर दिख रही है आपको। ये देखें आप। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा, होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। कबीर बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे। थैंक यू।